सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि व्हाई बॉयलर वाटर टेम्परेचर इज मेंटेन फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग बॉयलर हाइड्रोटेस्ट, यानी कि जो बॉयलर का हाइड्रोटेस्ट किया जाता है तो उसमें जो वाटर होता है उसको 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में ही क्यों मेंटेन किया जाता है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका पूरा रीजन को समझेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन फोन करें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो देखिए कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में मेंटेन के लिए पूछा गया था। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो अगर हम आईबीआर के अनुसार बात करें, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार, तो जो बॉयलर हाइड्रो टेस्ट के दौरान जो वाटर जो मेंटेन किया जाता है वो होता है आपका 20 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसी के बीच में मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू आईबीआर। अब इसके पीछे क्या रीजन है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे मेनली जो है तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है कि प्रिवेंटिंग थर्मल शॉक एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए जब बॉयलर हाइड्रो टेस्ट किया जाता है तो एक उसको हाई प्रेशर में किया जाता है, और जब कभी अगर हम वाटर का टेम्परेचर अगर हाई रखेंगे तो उसमें एक रैपिड चेंज आएगा टेम्परेचर में, जिसके कारण से थर्मल शॉक होने का चांसेस रहेगा और वहां पे मटेरियल में एक डैमेज होने का चांसेस आ सकता है। वहीं पे अगर टेम्परेचर अगर हम लो साइड रख दें तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने का चांसेस रहेगा और उससे भी आपका मटेरियल जो होगा वो फेलियर होने का, डैमेज होने का चांसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग कोल्ड वाटर इनटू बॉयलर और पाइपिंग सिस्टम एट वेरी लो टेम्परेचर कुड लीड टू थर्मल शॉक व्हेन द मेटल सडनली एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस। दिस कैन कॉजेस रैपिड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पोटेंशियली लीडिंग टू क्रैक और डैमेज, कीपिंग द वाटर विद इन द 20 डिग्री टू 50 डिग्री इंस्टेड द स्टेबल टेम्परेचर रेंज डेट प्रिवेंट थर्मल शॉक टू द बॉयलर मटेरियल। यानी कि अगर हम इस टेम्परेचर के बीच में मेंटेन करते हैं तो बॉयलर में जो थर्मल शॉक जो होता है वो प्रिवेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आईबीआर के अनुसार ही डिसाइड किया हुआ है कि आपका जो टेम्परेचर रेंज होगा वो इतना होगा। ओके, तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या रीजन हो गया कि इम्प्रूव टेस्ट एक्यूरेसी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर हम घटाएं बढ़ाएं तो वाटर का डेंसिटी हो गया या उसकी विस्कोसिटी होती है वो चेंज होती है। ओके, तो इस कारण से एक उसकी विस्कोसिटी हो या डेंसिटी हो वो एक स्टेबल रहे, तो ये देखा जाता है कि 20 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच में ये एक तरह से कंस्टेंट रहते हैं। ओके, स्टेबल रहते हैं। तो इसमें जो हम प्रेशर जो प्रेशर गेज से जो हम प्रेशर मापते हैं वो एक स्टेबल आता है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। तो एक तरह से ये इंप्रूव करता है टेस्ट एक्यूरेसी को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग इज डन टू चेक द फॉर लीक एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्रेशर बाउंड्री। यानी कि जो हाइड्रो टेस्ट किया जाता है वो लीकेज को चेक करने के लिए किया जाता है। वाटर एट टू लो और हाई ए टेम्परेचर कैन इफेक्ट द डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इम्पैक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रेशर रीडिंग। अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए और हाई हो जाए तो उसका जो विस्कोसिटी होगा या उसकी डेंसिटी होगी वो इफेक्ट होगी, जिसके कारण से प्रेशर रीडिंग में हमें बाधा उत्पन्न होगी। इस वजह से 20 से लेके 50 डिग्री के बीच में ये कंट्रोल किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेफ्टी कंसिडरेशन। तो अगर मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर जब बॉयलर हाइड्रो टेस्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा लो हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उस समय जो होता है वो टेस्ट के दौरान हो सकता है कि जो टेस्ट कर रहे हैं वो उनके लिए सेफ ना हो। तो इसलिए देखा जाता है कि 20 से लेकर 50 डिग्री का जो टेम्परेचर रेंज होता है जो नॉर्मली एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ही होता है, ओके, तो उसमें आपका जो एक तरह से ये सेफर माना जाता है। तो वाटर एट दिस टेम्परेचर रेंज इज सेफर टू हैंडल, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजुरी टू पर्सनल कंडक्टिंग द टेस्ट। तो टेस्ट के दौरान इसे एक तरह से सेफर माना जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बॉयलर हाइड्रो के दौरान इस तरह से आपका प्रेशर जो होता है वो टेस्ट किया जाता है। ओके, तो यही हो गए इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से बॉयलर हाइड्रो टेस्ट के दौरान 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री वाटर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ओके, आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।